हाय, गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि मैंने क्लास 7 का एक टॉपिक कंप्लीट करवा लिया था, जिसका नाम क्या था बेटा? द फ्रेज। आज इसी द फ्रेज के रिगार्डिंग हम आपके सामने कुछ एक्सरसाइजेस को लेके आए हैं। आपको क्या करना है, उन एक्सरसाइज को सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसको आपको कमेंट सेक्शन में पोस्ट करना है। सो विदाउट टेकिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। आई होप आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। सो आप इसको बहुत ही ध्यान पूर्वक और पूरा अपना जो फुल कंसंट्रेशन है वो करके आप इसको देखिएगा। मीन्स आपका जो माइंड है ना बेटा, वो पूरी तरीके से इन्हीं एक्सरसाइजेस के ऊपर होना चाहिए। सो अब हम इसमें देखते हैं एक्सरसाइज नंबर 1। अब बेटा एक्सरसाइज नंबर 1 क्या बोल रहा है? पिक आउट द एडजेक्टिव फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मैंने आपको बताया था बेटा कि जो एडजेक्टिव फ्रेज होता है वो बेसिकली किसकी तरह काम करता, एज एन एडजेक्टिव की तरह काम करता है। और इसका पता हम कैसे लगाते हैं बेटा? बाय आस्किंग क्वेश्चन व्हाट काइंड ऑफ और व्हाट सॉर्ट ऑफ। और बेसिकली ये किसी नाउन को क्या करेगा बेटा? क्वालिफाई करेगा। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर एडजेक्टिव फ्रेज होगा तो कहीं ना कहीं किसी नाउन के पास ही होगा। ओके, अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें दिया है ही इज अ पर्सन ऑफ वेरी कंसिडरेबल रेनाउन। अब इस सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, तो यहां पे नाउन क्या है? अ पर्सन है या नहीं है? तो इसमें अगर हम एडजेक्टिव फ्रेज की बात करें तो यहां से और ये जो है ना कहीं ये जो टर्म्स हैं ये किसको डिफाइन कर रहे हैं? इसी पर्सन को डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इज ही अ पर्सन, मींस वह किस टाइप का व्यक्ति है। तो आंसर क्या आएगा? ऑफ वेरी कंसिडरेबल रिनाउन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। ओके बेटा, अब आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखो ना बेटा, तो यहां पे क्या है? ये नाउन है। और यहां पे देखो ये भी क्या है? नाउन है। लेकिन इस नाउन के बाद क्या लिखा है? इन नीड। क्या लिखा बेटा? देखो ध्यान से, इसके बाद लिखा इन नीड। तो ये तो फ्रेज है, लेकिन इस फ्रेंड के बाद जो इन डीड लिखा है ना, ये कहीं ना कहीं एक क्या है? सिंगल वर्ड है। तो ये तो फ्रेज होगा ही नहीं। तो फ्रेज क्या हो जाएगा? इन नीड। और ये जो बेसिकली काम कर रहा है किसके लिए काम कर रहा है? आप फ्रेंड के लिए ही काम कर रहा है। सो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9। इसमें दिमाग ही नहीं लगाना बेटा, स्टिच इसमें क्या है? नाउन। तो यहां पे जो इन टाइम है ना, वो जो इन टाइम है किसके लिए काम कर रहा? इसी स्टिच के लिए काम कर रहा। आई स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ये एक तरीके से बेटा क्या है? प्रोवर्ब है। क्या है? प्रोवर्ब है। तो कहीं ना कहीं इन टाइम किसको मॉडिफाई कर रहा? स्टिच को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये यहां पे क्या हो गया? फ्रेज हो गया। क्या हो गया बेटा? फ्रेज। और कौन सा फ्रेज? एडजेक्टिव फ्रेज। ये भी यहां पे क्या था बेटा? फ्रेज था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। इसमें लिखा है अ वर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। अब इसमें भी दिमाग नहीं लगाना बेटा। यहां पे देखो वर्ड क्या है? नाउन है। वर्ड क्या है? नाउन है। तो इसमें लिया इन द हैंड। अब ये जो इन द हैंड है ना बेटा, कहीं ना कहीं ये फ्रेज है। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स देखो 1 2 3, हाउ मेनी वर्ड्स आर हियर? 3। तो ये जो इन द हैंड है ना, वो कहीं ना कहीं व्हाट काइंड ऑफ वर्ड का रिप्लाई दे रहा है, कि मतलब ये किस टाइप की वर्ड है वो, मतलब इन द हैंड मतलब जो हाथ में है, ये उसी को ही क्वालिफाई कर रहा इन द हैंड। तो एक तरीके से ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। अच्छा, अब इसमें इन द बुश जो है ना, ये भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए ना, तो इन्हीं वर्ड्स के लिए ही काम कर रहा। और वो वर्ड्स कैसी? टू।
वो टू वर्ड्स की ही बात कर रहा है, तो ये भी एक तरीके से क्या हो जाएगा बेटा, फ्रेज हो जाएगा। आई होप ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और आपने जितना भी क्वेश्चन सॉल्व किया होगा अभी तक वो आपके बिल्कुल करेक्ट हुए होंगे। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें दिया इन अ लो वॉइस ही टोल्ड द टेल ऑफ हिज क्रूअल रॉन्ग्स। अब इसमें देखो बेटा, एक तो इसमें वॉइस है ना, और इसमें एक क्या है बेटा, टेल है। क्या है? टेल है। अब एक चीज देखो ध्यान से, इन अ लो वॉइस ये कहीं कहीं एक फ्रेज है। क्या है बेटा? इन अ लो वॉइस ये कहीं ना कहीं एक फ्रेज है, तो ये याद रखना ये इसी के साथ है, तो ये इस नाउन की तो हम इसको तो डिफाइन करेंगे ही नहीं यहां पे, मतलब इस फ्रेज के थ्रू हम इसको डिफाइन तो कर नहीं पाएंगे, तो कहीं ना कहीं इस टेल को डिफाइन करने के लिए आगे ये जो टर्म्स आया ना ऑफ हिज क्रूअल रॉन्ग्स, ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, फ्रेज हो गया, कि मतलब व्हाट काइंड ऑफ टेल, तो आंसर आया ऑफ हिज क्रूअल रॉन्ग्स, तो ये भी ना कहीं क्या हो गया बेटा, फ्रेज हो गया। आई होप अभी तक आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद बेटा आते हैं एक्सरसाइज नंबर सेकंड को देखते हैं। एक्सरसाइज नंबर सेकंड में लिखा है रिप्लेस द एडजेक्टिव्स इन अंडरलाइन बाय एडजेक्टिव फ्रेजेस। मींस यहां पे कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो ना बेटा, तो ये एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, ग्रेट मतलब मेन एडजेक्टिव यही है, इसी को आपको रिप्लेस करना है। यहां जैसे वेल है ना, ये मेन एडजेक्टिव है, इसी को रिप्लेस करना है। और यहां पे जो मेडिकल है ना, ये कहीं ना कहीं क्या मेन एडजेक्टिव है, इसको आपको क्या करना है, रिप्लेस करना है। और यहाँ पे जो कावर्डली है ना, कहीं ना कहीं ये मेन एडजेक्टिव है, इसी को आपको क्या करना है, रिप्लेस करना। और हीरोइक जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं क्या मेन एडजेक्टिव है, और इसको हम एडजेक्टिव फ्रेज से क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो बेटा जो मैंने पिछला सेशन आपको पढ़ाया था ना, तो पिछले सेशन में मैंने आपको बताया था कि अगर कहीं पे कोई एडजेक्टिव है ना, तो उसको हम एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे था हमने लिखा था अ मैन, मैंने लिखा था अ वेल्दी मैन, तो मैंने आपको वहां पे कैसे बताया था, अ मैन विथ ग्रेट वेल्थ। अच्छा, जिन बच्चों ने उस सेशन को नहीं देखा है, कृपया करके उस सेशन को सबसे पहले देखें और उसके बाद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए चीजें। अब देखो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें लिखा अ ग्रे क्लाउड स्प्रेड्स ओवर द स्काई। अब इसको हमें क्या करना, सही करना। तो अब इसको कैसे सही करेंगे, तो देखो बेटा इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखो ये नाउन है और ये आर्टिकल है या नहीं, तो अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आर्टिकल को तो आप यही रहने दो, तो आपने क्या लिखा अ, और इसके बाद नाउन को आप लिख दो बेटा, तो लिख दो क्लाउड, और इसके बाद आपको एक प्रपोजिशन मैंने बताया था, मोस्टली केसेस में जब हम फ्रेज बनाते हैं तो उसमें ज्यादातर हमें क्या मिलेगा बेटा, प्रपोजिशन देखने को मिलेगा। तो यहां पे लिख दो अ क्लाउड ऑफ ग्रे कलर, मैंने क्या लिखा बेटा, अ क्लाउड ऑफ ग्रे कलर स्प्रेड्स ओवर द स्काई। मीन्स इसको पूरे को रिप्लेस करके आप कहीं ना कहीं इस फ्रेज को वहां क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। मींस जो अब इसका है ना सेफ अर्थ इसका है, मींस इसकी जगह उसको लिख सकते हो, उसकी जगह आप इसको लिख सकते हो। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं ही इज वेल, तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो आप इसको लिख सकते हो ही इज इन गुड हेल्थ। क्या लिखा बेटा आपने, He is in good health. तो ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, एक adjective phrase हो गया। अब आते हैं question number third को देखते हैं। इसमें दिया that was a cowardly act. अब इसको कैसे करेंगे बेटा, देखो ये noun है और ये article है, तो article को तो यही रहने दो, तो आप इसको ऐसे लिखोगे, ध्यान से देखना मैं, अच्छा यही लिख दे रहा हूं बेटा, देखो an act of cowardice, मैंने क्या लिखा बेटा, एन एक्ट ऑफ कावर्डिस। तो ये पूरा जो ग्रुप बना ना, ये क्या बना, एडजेक्टिव फ्रेज बना। किसका क्या बना बेटा, एडजेक्टिव फ्रेज। मीन्स इसको रिप्लेस करके आप इसको यहां पे लिख सकते हो। आई होप ये भी आपको समझ में
आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पर, इसमें दिया हीरोइक डीड्स डिजर्व अवर एडमायरेशन। अब कहीं कहीं इसमें डीड्स क्या है, नाउन है बेटा, तो आप इसको पहले लिखो, तो आप इसको ऐसे लिखो, सॉरी, डीड्स ऑफ हीरोइज्म, क्या लिखा हमने बेटा, डीड्स ऑफ हीरोइज्म डिजर्व अवर एडमायरेशन। तो कहीं ना कहीं जो यहां पे लिखा है ना हीरोइक डीड्स, इसको रिप्लेस करके आप इस एडजेक्टिव फ्रेज को क्या कर सकते हो, यहां पे लिख सकते हो। आई होप ये जितनी भी चीजें मैंने एक्सप्लेन की आपको समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर थर्ड पर। एक्सरसाइज नंबर थर्ड में बोल रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव फ्रेजेस, मींस आपको क्या करना, यहां पे सुटेबल एडजेक्टिव को फ्रेज में सुटेबल एडजेक्टिव फ्रेज को फिल करना है, वो भी किसको देखकर, यहां पे भी बेटा ये नाउन लगा है, याद रखना इसी नाउन को देख के आपको क्या करना है, फिल करना है। अब देखो, एन एलिफेंट इज कंसीडर्ड स्कॉट बाय सम पीपल, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एन एलिफेंट विथ वाइट स्किन, ओके, अभी जो मैंने लिखा ना विथ व्हाइट स्किन, कहीं ना कहीं ये इसी एलिफेंट को क्या कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो ये बेटा क्या है, आपका फ्रेज है। और किस टाइप का फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है। आगे दिया बर्ड्स फ्लॉक टुगेदर, ये बेटा एक प्रोवर्ब्स है, तो आप इसको ऐसे बोल सकते हो, अ बर्ड्स ऑफ द सेम फीडर, F-E-A-T-H-E-R, feeder. The birds of the same feeder flock together. तो कहीं ना कहीं ये जो लिखा है ना of the same feeder, feather, sorry. तो ये किसको define कर रहा बेटा? इसी words को define कर रहा है. Means ये भी एक तरीके से क्या हो गया? Phrase हो गया. आगे फिर देखते हैं बेटा question number third. He leads a life. तो यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो. He leads a इसमें ऐसे लिख सकते हो he leads a life of happiness भी लिख सकते हो, of simplicity भी लिख सकते हो, जो आपको समझना है वो लिख सकते हो। तो मैं तो यहां लिख रहा हूं of simplicity, ओके बेटा। अच्छा, इसमें ये भी एक चीज याद रखता है बेटा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं यहां फिलअप कर रहा हूं आपको केवल वही लिखना है, आप यहां कुछ भी लिख सकते हो। हाँ, लेकिन यहां नहीं लिखोगे बेटा, क्यों, क्योंकि ये प्रोवर्ब्स है, आप यहां कुछ भी लिख सकते हो, जॉय लिख सकते हो, हैप्पीनेस लिख सकते हो, ओके, या मिजरी लिख सकते हो। अब आगे देखते हैं, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ, कुछ भी यहां लिख सकते हो, योर स्कूल लिख सकते हो, योर होम लिख सकते हो, योर फादर लिख सकते हो बेटा, योर मदर लिख सकते हो। आगे दिया चिल्ड्रन लाइक बुक्स, बताओ बच्चे किस टाइप की किताबें पसंद करते हैं, बताओ आप लोग बच्चे ही हो, बताओ बेटा किस टाइप की किताबें आपको पसंद है, कलरफुल हैं या पिक्चर से भरी हुई, अच्छा तो लिख दो विद पिक्चर्स, आई होप बेटा यहां मैंने क्या लिख दिया, चिल्ड्रन लाइक बुक्स विद पिक्चर्स। आई होप ये चीजें जो मैंने आपको पढ़ाई वो समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। सो बेटा ये एक्सरसाइज नंबर फोर एंड फिफ्थ एंड सिक्स, फर्स्ट यू हैव ट्राई टू सॉल्व इट, देन आई विल एक्सप्लेन यू। आई होप यू हैव सॉल्व इट, वट एवर नंबर और मार्क्स यू हैव गॉट जस्ट कमेंट द बिलो सेक्शन। So without wasting a time, I am going to start exercise number 4. Pick out the adverb phrases from the following sentences. So beta, as for adverb phrase hota kya hai? Adverb phrase basically adverb hi hota hai. Okay? Kaise pata karte hain? Previous lecture mein bataya tha when, where, how far. Iske through hum pata kar lete hain. To isme likha he lives in the middle of the great wood,
सो वेयर, आई थिंक इसका आंसर मिलेगा वेयर, वेयर डज ही लिव। तो आंसर क्या है बेटा, आपका जो आंसर है ना ये पूरा हो जाएगा यहां से यहां। तो दिस इज एडवर्ब फ्रेज। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वेयर से क्वेश्चन मिला है, नथिंग कैन लिव ऑन द मून। सो वेयर, वेयर कैन नथिंग लिव, योर आंसर इज ऑन द मून। ओके बेटा, समझ में आया? मतलब इसमें क्या है, इन द मिडिल ऑफ द ग्रेट वुड, दिस इज एडवर्ब फ्रेज एंड दिस इज ऑल्सो एडवर्ब फ्रेज ऑन द मून। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर थर्ड, कम इन द गार्डन निवी। नाउ लुक, निवी इसमें सब्जेक्ट है बेटा, याद रखना निवी इज सब्जेक्ट और निवी के लिए यहां वर्ब आया है कम। तो एक चीज क्लियर होना चाहिए कि ये दोनों तो होंगे नहीं, क्योंकि फ्रेज में याद रखना बेटा वर्ब तो होगा ही नहीं। ओके, इन द गार्डन जो है ना इसमें बेटा दिस इज योर फ्रेज। वेयर, वेयर से इसका भी आंसर मिल रहा है बेटा, याद रखना वेयर से इसका आंसर मिल रहा है। अब नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर फोर्थ, इसमें दिया ऑनेस्टी इज रिटन ऑन दिस फेस। वेयर, वेयर इज ऑनेस्टी रिटन, आंसर ऑन हिज फेस। सो अगेन दिस इज एडवर्ब फ्रेज। ये तो बहुत ही सिंपल है बेटा, पता है बहुत ही सिंपल है, इसमें तो ज्यादा आपको एफर्ट लगाना ही नहीं पड़ा होगा, आई होप। अब इसमें दिया है ड्रॉ इन अ गार्डन, सॉरी डाउन इन अ गार्डन, डाउन इन अ ग्रीन एंड सैडी बेड अ मॉडेस्ट वायलेंट ग्रीव। नाउ लुक हियर बेटा, इसमें जो लिखा ना अ मॉडेस्ट वायलेंट, ये आपका सब्जेक्ट है याद रखना बेटा, और ग्रीव यहां पे क्या है बेन होगा। तो where did a modest violet grow, your answer is down in a green and sturdy bed, this is your adverb phrase। okay, I hope ये जो exercise number 4th है ये आपको बिल्कुल समझ में आया होगा, और आप जितने भी questions ये solve किए होंगे आपके सारे questions बिल्कुल क्या हुए होंगे, करेक्ट हुए होंगे। नाउ बेटा अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 पर, इसमें दिया है रिप्लेस अंडरलाइन एडवर्ब्स बाय एडवर्ब फ्रेजेस। नाउ लुक हियर, दीज आर सिंगल वर्ड्स, ये सब क्या है बेटा सिंगल वर्ड्स हैं, और इन्हीं को हमें क्या करना है रिप्लेस करना है, और किससे रिप्लेस करवाना बेटा एडवर्ब फ्रेज से रिप्लेस करवाना है। ओके नाउ लुक, द पिजन फ्लाइज। नाउ लुक, अब देखो स्विफ्टली को कैसे रिप्लेस करेंगे बेटा, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो विथ स्विफ्टनेस, विथ स्विफ्टनेस। एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है बेटा कि जब भी आप फ्रेज बनाओगे ना तो वो जो फ्रेज होगा तो उस वर्ड के इक्विवेलेंट में होना चाहिए, जैसे स्विफ्टली है ना, तो स्विफ्टली के इक्विवेलेंट में क्या है विथ स्विफ्टनेस, इसकी इक्विवेलेंट में आपका स्विफ्टली है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2, गो अवे। अब इसको कैसे लिखेंगे बेटा, आप इसको लिख सकते हो गो अवे, तो इसको लिख सकते हो आप गो टू अ डिस्टेंस, क्या लिख सकते हो बेटा गो टू अ डिस्टेंस, ये भी कहीं ना कहीं किसके लिए आ रहा है दूरी के लिए ही आ रहा है। ओके, आई होप ये भी आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, इसमें लिखा है जेंटली फेल हर द रेन, सॉरी जेंटली फेल द रेन। अब इसको ध्यान से देखो बेटा, जेंटली को आप रिप्लेस कर सकते हो इन अ जेंटल मैनर, कैसे मैंने रिप्लेस किया बेटा इन अ जेंटल मैनर, तो कहीं ना कहीं इस जेंटली को ये आपका क्या करेगा इन अ जेंटल मैनर मैनर रिप्लेस कर देगा, तो आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो इन अ जेंटल मैनर फेल द रे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं, तो इसमें लिखा है ही स्पोक एलोक्वेंटली, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ही स्पोक विथ ग्रेट एलोक्वेंस। आई होप ये आपको समझ में
आ गया होगा। याद रखना बेटा जितना भी मैं लिख रहा हूं, ये जितने भी चीजें मैं यहां पे लिख रहा हूं वो सारे क्या एडवर्ब फ्रेज। दिस इज ऑल्सो एडवर्ब फ्रेज, दिस इज ऑल्सो एडवर्ब फ्रेज। जैसा कि क्वेश्चन में बोल रहा भाई चीज मैं यहां लिख रहा हूं, दिस इज ऑल्सो एडवर्ब फ्रेज। ओके यहां तक बेटा किसी को कोई डाउट? कोई डाउट तो नहीं है बेटा? श्योर। अब देखो इसमें लिखा है फॉर्मली, तो इसको आप लिख सकते हो ऑन दैट टाइम ऑनवर्ड। मींस अगर आपको फॉर्मली को रिप्लेस करना है फॉर्मली को, तो आप कैसे रिप्लेस करते हैं? ऑन दैट टाइम ऑनवर्ड ही वर्क एट द स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। तो आई होप ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई वो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब आते हैं बेटा इसके बाद, देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडवर्ब फ्रेजेस। अब हमें क्या करना है, सुटेबल एडवर्ब फ्रेजेस को इसमें क्या करना, फिल अप करना। तो इसमें लिया है द नाइट फॉग, तो आप इसको लिख सकते हो विथ ग्रेट करेज। आपको जो लिखना बेटा आप लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। द नाइट फॉग इन अ कवर्डली मैनर लिख सकते हो बेटा। ओके या कुछ और भी लिख सकते हो जो आपके समझ में आ जाए। अब इसके बाद ये इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड, द वुड मैन स्ट्रक द वुल्फ, तो आप इसको लिख सकते हो विथ हिज एक्स। ओके तो ये क्या आपका बेटा एडवर्ब फ्रेज, दिस इज ऑल्सो एडवर्ब फ्रेज। किसको मॉडिफाई कर रहा है ये? व्हाट को मॉडिफाई कर रहा है ये? किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस ट्रक को मॉडिफाई करना बेटा। डोंट आंसर, हाँ बोलो बेटा रोहन, बेटा बताओ क्या भरने यहाँ पे हैं? वाह वेरी गुड रोहन, बोल रहे सर एट रैंडम, तो हाँ बिल्कुल सही है बेटा, एट रैंडम मतलब हमें आंसर एट रैंडम नहीं देना चाहिए। तो कहेंगे एट रैंडम किसको मॉडिफाई करना? आंसर को। ओल्ड मदर वैन, हाँ बताए। ओके नाइस बेटा, टू गेट, जो लिखना आप लिख देना बेटा। हाँ ओल्ड मदर बेंट टू बेड। आगे क्या, ही फेल्ड इन हिज ड्यूटी, या आप लिख सकते हो इन हिज एग्जाम। आई होप ये जो चीजें मैंने आपको पढ़ाई ये आपको बिल्कुल समझ में आ गई होंगी। अगर इसमें कोई दिक्कत होगा बेटा तो दोबारा से इसको आप रिकैप करके देखना। अब इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पर। एक्सरसाइज नंबर 7 है, पिक आउट द फ्रेजेस एंड से वेदर दे आर एडजेक्टिव एडवर्ब और नाउन फ्रेजेस। सो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन बोल रहा है ना उसी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन्हें सॉल्व करिए, और सॉल्व करने के बाद जो आपका आंसर है ना वो टोटल अभी तक मैंने जितना क्वेश्चन करवाया है सबका हमें कमेंट सेक्शन में क्या करना, कमेंट सेक्शन में इसको राइट कर देना। सो आप इसको सॉल्व करिए, आई होप आपने बेटा इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें क्या बोल रहा है। पहला तो ये समझिए कि एक्सरसाइज नंबर 7 बोल क्या रहा है, पिक आउट द नाउन फ्रेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मींस इसमें से आपको नाउन फ्रेजेस को बाहर निकालना है। अब बेटा नाउन फ्रेजेस क्या होते हैं? नाउन फ्रेजेस सेम नाउन की तरह ही काम करते हैं, और नाउन फ्रेज हम कैसे बाहर निकालेंगे बेटा, बाय आस्किंग क्वेश्चन व्हाट। हिज फादर विश्ड टू स्पीक द हेडमास्टर, व्हाट डिड हिज फादर विश, आंसर क्या आया? टू स्पीक द हेडमास्टर। तो यहां से यहां तक बेटा क्या हो गया, नाउन फ्रेज। ओके आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि देखो हिज फादर इसमें सब्जेक्ट है और विश्ड इसमें क्या है, मेन वर्ब। इसके बाद जो पूरा पार्ट बचा वो इसी मेन वर्ब का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट बनने का अधिकार किसके पास है बेटा, नाउन के पास। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। द विग्ड वजीर लव्स गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल। अब इसमें जो द विग्ड वजीर है ना ये तो सब्जेक्ट हो गया, लव्स इसमें क्या हो गया, मेन वर्ब।
अब यहां जो लिखा है ना गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल, सो व्हाट डस द बिग वजीर लव, आंसर क्या है, गेटिंग पीपल इनटू ट्रबल, दिस इज योर नाउन फ्रेज, आई होप ये आपका सही गया होगा बिल्कुल। आगे इसमें दिया है थर्ड नंबर, ही डिसलाइक्स हैविंग टू पनिश हिज सर्वेंट्स, सो व्हाट डस ही डिसलाइक, योर आंसर इज हैविंग to punish his servants, so this is your noun phrase। बेटा जब भी क्वेश्चन को सॉल्व किया करो ना तो एकदम कूल होकर, आंखें एकदम बंद बंद नहीं सॉरी बंद रही तो सॉल्व कैसे कर पाओगे, मीन्स आपका जो फुल कंसेंट्रेशन है ना बेटा वो बिल्कुल आपके एक्सरसाइजेस के ऊपर होना चाहिए, और जितनी चीजें मैंने पढ़ाई हैं उसको माइंड में क्या करना है, उसी टाइम पे याद करना कि हमारे सर क्या पढ़ाए थे। सो ये भी एक तरीके से क्या हो गया बेटा, नाउन फ्रेज हो गया। अब आगे इसमें दिया हॉर्सेस प्रेफर, प्रेफर याद रखना मेन वर्ब, व्हाट डू हॉर्सेस प्रेफर, आंसर आया लिविंग इन डार्क स्टेबल, ये भी क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया। थिंकिंग गुड थॉट्स प्रोसीड गुड एक्शंस, याद रखना इसमें प्रोसीड जो है ना बेटा दिस इज योर मेन वर्ब, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा है ना थिंकिंग गुड थॉट्स ये कहीं ना कहीं क्या है, नाउन फ्रेज है, क्यों, क्योंकि इसी प्रीसीड का ये क्या बनता है, सब्जेक्ट बनता है। तो व्हाट, हाँ इसको हम पूछ सकते हैं व्हाट प्रोसीड गुड एक्शंस, आंसर आया थिंकिंग गुड थॉट्स। अब इसके बाद आते हैं बेटा एक्सरसाइज नंबर 8 पर, एक्सरसाइज नंबर 8 बोल रहा है पिक आउट द फ्रेजेस एंड से वेदर दे आर एडजेक्टिव एडवर्ब एंड नाउन फ्रेजेस, इसमें से आपको बताना है इसमें से एडजेक्टिव फ्रेज कौन सा है, नाउन फ्रेज कौन सा है एंड एडवर्ब फ्रेज कौन सा है। तो इसमें दिया ही स्पीक्स, देखो ध्यान से स्पीक्स इसमें क्या बेटा, दिस इज योर मेन वर्ब, हाउ डज ही स्पीक, योर आंसर इज लाइक एंड ओरेटर, याद रखना जब आंसर आपको हाउ व्हेन वेयर हाउ फार हाउ मच से मिलता है तो हमेशा क्या होता है बेटा, एडवर्ब फ्रेज होता है, तो दिस इज एन एडवर्ब फ्रेज। It grieved, grieved याद रखना बेटा इसमें क्या है, main verb है, क्या है, this is a main verb, me क्या है बेटा इसी का object है, it grieved me। अब इसका हमें क्या निकालना है बेटा, means इसमें से हमें phrase निकालना और ये भी बताना किस type का phrase है, तो देखना ध्यान से, what did, sorry ध्यान से सुनना बेटा, देखो ध्यान से, ये तो subject हो गया, ये मेन वर्ब हो गया और ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं व्हाट डिड इट ग्रीव मी, तो आंसर क्या है, टू हियर ऑफ योर इलनेस, क्या है बेटा, टू हियर ऑफ योर इलनेस, तो इसका आंसर किससे है, व्हाट से, तो एक तरीके से क्या हो गया, नाउन फ्रेज हो गया, क्या हो गया बेटा, नाउन फ्रेज हो गया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे दिया बियॉन्ड अ डाउट दिस मैन इज ऑनेस्ट, अब यहां इज क्या है बेटा, वर्ब है, तो इसके पहले वाला जो पूरा क्वेश्चन है ना ये क्या है आपका, हाँ बोलो बेटा, फ्रेज है। अब किस टाइप का फ्रेज है, सो हाउ फार इज ऑनेस्ट, सॉरी हाउ फार ही इज ऑनेस्ट, योर आंसर इज बियॉन्ड अ डाउट, तो हाउ फार से इसका आंसर मिला, तो यहां से ये क्या हो गया आपका, एडवर्ब फ्रेज हो गया, क्या हो गया बेटा, एडवर्ब फ्रेज हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4th को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4th बोल रहा ही स्पीक्स टू फास्ट टू बी अंडरस्टूड, अब देखो व्हाट से आंसर नहीं मिलेगा, हाउ से मिल जाएगा, हाउ डज ही स्पीक, योर आंसर इज टू फास्ट, तो टू फास्ट यहां पे क्या है बेटा, एडवर्ब फ्रेज है। ओके आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें दिया है द ट्रेन इज बिहाइंड टाइम, अब इसमें जो बिहाइंड टाइम है ना बेटा ये भी कहीं ना कहीं क्या है, फ्रेज है। सो व्हेन से इसका आंसर मिल जाएगा, व्हेन इज द ट्रेन, तो आंसर क्या है, बिहाइंड टाइम, मतलब टाइम से पहले है, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गया। आगे दिया ही इज अ पर्सन ऑफ नो इंपॉर्टेंस, अब इसमें ध्यान से देखना ही क्या है, सब्जेक्ट है, अ पर्सन क्या है, हाँ बोलो बेटा नाउन है, और इसी नाउन को कहीं ना कहीं ये क्या कर रहा है, मॉडिफाई करवा रहा है। अब जब ये नाउन को मॉडिफाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज। आप नहीं तो क्वेश्चन ही पूछ सकते व्हाट काइंड ऑफ, सर व्हाट काइंड ऑफ इज ही अ पर्सन, मतलब वह किस टाइप का पर्सन है, तो आंसर क्या, ऑफ नो इम्पोर्टेंस। तो आई होप
अभी तक मैंने जितने भी एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाए वो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट होगा, कोई भी दिक्कत होगी बेटा, तो आप इस वीडियो को दोबारा देखना, और दोबारा देखने के बाद अगर तब भी नहीं समझ में आए तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। अब मैं इस लेक्चर को यहीं पे रिज्यूम करता हूँ, एंड मे गॉड ब्लेस यू।